देवी माँ, कौन सा नया जख्म देना चाहते हैं ये मुझे? तारे को ठंड लग रही है छोरी। अब क्या नई मुसीबत लेकर आए थे। अगर आज तबीयत ठीक ना है तो रहने दो ना पूजा। देवी माँ भी जाने थारे को आराम की बहुत जरूरत है। जिनसे मुझे शक्ति और ताकत मिलती है और जिनकी वजह से ही तो मैं इस घर में आई, उन्हीं की पूजा छोड़ दूं? एक यही तो है जो हमेशा मेरे साथ होती है, चाहे दिन हो या रात। एक बात पूछूं, कल आपने झूठ क्यों बोला कि थारे को देवरसा के दिए हुए जख्म से ज्यादा उनके दिए हुए मलम से सुकून मिला है? ताकि मेरे परिवार को लगे कि उनकी बेटी यहाँ पर सुरक्षित है। जो परिवार मेरी ताकत है, मैं उनकी कमजोरी कैसे बन सकती हूँ जेठानी सा, जिनको बार बार मेरी वजह से बेइज्जत होना पड़ता है। और उम्मीद का जो रास्ता सोचकर मैं आई थी, वो तो अधिराज ने अब देवी माँ ही कोई रास्ता दिखाएगी मुझे। लगता है दफ्तर चले गए। अच्छा हुआ, अब मैं अपनी पूजा कर पाऊंगी। हेलो, मेरी बात सुन एक सेकंड। जो मॉल वाला टेंडर अब सुजानगढ़ के बिल्डरों के लिए भी खुल गया है। पर तेरे तो पहले मना कर दिया था, तो चाणक्य हो गया।
जो भी हुआ भला हुआ, ये बस मौका चूकना ना है। चले बाद में फोन करता हूं मैं। हाँ चल। पहला कुमासा। विजय बाबा। लाड़ी सर, थारे माथे पे क्या है? क्या? कि पत्नी जब आपके जीवन में आती है तो अपना भाग्य साथ लेकर आती है, क्या पता तेरा ही भाग्य बदल दे। हुकुम साहब, आपकी तो किस्मत खुल गई, डूबे हुए शहर भी आसमान छू रहे से। आपको क्या लगता है ये सब मैं अपने लिए कर रही हूँ? ये सब मैं आपके लिए, पूरे परिवार के लिए कर रही हूँ। बधाई हो हुकुम साहब, यो मॉल वाला टेंडर अब सुजानगढ़ के बिल्डरों के लिए भी खुल गया है। कुछ नहीं मासा, वो पूजा करते वक्त देवी से लग गया। टीका तो कुछ ना बिगाड़े ना मासा, लगा रहने दे, क्या फर्क पड़ता है। यो के देखा आज मारी आंखा, आज पहली बार अधी ने माजी साको किसी चीज के लिए मना किया है और लौट के अपने कमरे में भी चले गए। आखिर हो क्या रहा है यो बेड़ी में? यो तो देखना पड़ेगा। थारे से कुछ कहना था मारे को, मैंने कही थी ना कि पूजा का एक वक्त होता है और उसी वक्त पे पूजा की जाए तो पूजा लगती है और पूजा का वक्त इंसान के हिसाब से बदला भी जाना सकता। तो बस थारे से यही कहने आया था कि थारे को अपने पूजा का वक्त बदलने की जरूरत ना है। मारा मतलब यो है कि हमारे दफ्तर जाने से पहले थारी पूजा हो जानी चाहिए, बस यो ही थारे से कहना था। भरम हो गयो है मारे लड़ी सर को, भरम हो गयो है। अचानक उम्मन उस छोरी का साया उसे चोखा लगे है। नहीं, जे गलत फहमी दूर करनी ही पड़ेगी, क्योंकि गलत फहमी गलत रास्ते पे ले जावे है। अच्छे गुरु के लिए अपने पराए की कोई पहचान न रहे है, क्योंकि पहले मारे को मारे लाड़े सर को समझाना पड़ेगा कि छोरी शुभ ना है, अशुभ है। कनिका मामा जी साहब, बताइए क्या सेवा कर सकता हूँ? सेवा तो तू करे ही है,
थारी वफादारी सबूत है उका। पाची साहब, ये तो आपका बड़प्पन और मेरी खुशनसीबी है कि आपके परिवार की सेवा करने का मौका मिला। जिसे तू परिवार कहे तुम्हें कौन है? मारा लाड़े सर और मैं। पाची साहब, आपके और हुकुम के लिए तो मैं अपनी जान। ना, जान ना चाहिए मारे को, सबूत चाहिए। धंधे से जुड़ी हर बात, हर वो खबर, बुरी या अच्छी, सबसे पहले मारे को मिलनी चाहिए, अधीरा से भी पहले। बट माजी साहब, ये मैं कैसे? तू सब कर सके है माजी साहब, हुकुम को पता चला तो वो मेरी जान ले लेंगे। एक बात समझ ले छोरा, अगर वफादारी का मैं इनाम दे सकूं तो दगाबाजी की सजा भी दे सकूं। समझ गए हो? माजी साहब, जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। और ये भी सुन ले, जो खबर मारे को मिलेगी उसके बाद के करना है वो मैं थारे को बताऊंगी। और हाँ, हमारे बीच में कोई बात ना हुई, मैं किसी से नहीं कहूंगा, आप निश्चिंत हो जाइए। आज कुछ बहुत ही अजीब हुआ जिठानी साहब। जब मैं उनके कमरे में गई ना पूजा करने के लिए, तो उन्होंने कहा कि कल से समय पर आकर उनके दफ्तर जाने से पहले दिया जलाकर पूजा कर लिया करो। अचानक से इतना बदलाव क्यों? शायद ये कोई नया तरीका है उनका रोज सुबह मुझे डराने का। हो हो देवरानी भाई साहब, आज तक किसी से भी डरते हुए ना देखा थारे को, तो अभी डर कैसा? इस डर को मन में भी ना आने दो आप, समझो हमारी बात। बिल्कुल सही कहा आपने जेठानी साहब, अपने अंदर के इस डर को जो इस वक्त मुझे कमजोर कर रहा है, पहले मैं उससे जीतूं और उस डर से जीत गई तो सबसे जीत गई। हुकुम, आपने बुलाया? वो जो जयपुर से टेंडर की लिस्ट आने वाली थी, क्या हुआ उसका? कुछ हुआ, पता चला? नहीं हुकुम, वो लिस्ट तो नहीं आई अभी। हमारी कंपनी का नाम वो लिस्ट में होना चाहिए। कुछ भी कर, जो करना है कर, बस हमारी कंपनी का नाम वो लिस्ट में होना चाहिए। जी हुकुम जी। बहुत दर्द हो रहा है, आप रुको मैं लगा देती। नहीं भाभी साहब, मैं ठीक हूँ। हुकुम साहब, आज खाने पे घर ना आ सकेंगे, काम ज्यादा है तो खाना दफ्तर में ही मंगवा जाओ। ठीक है, आप भीतर से एक डब्बा लेकर आ जाओ। अपने अंदर के डर को जीतने के लिए मुझे अतिराज के ऑफिस जाना पड़ेगा। लाइए, आज मैं जाती हूँ दफ्तर टिफिन लेके। यो घर के फैसले तू लेने लग गई? हाँ महारानी ना, नौकरानी है तू यो घर की, समझी? पता है मुझे, और अपने नौकरानी होने का फर्ज ही अदा कर रही हूँ। खाना लेकर जा रही हूँ मालिक के लिए। सेवक बोल रहा हूँ माजी साहब, जयपुर से मॉल का टेंडर भरने के लिए बिजनेस का नाम लिस्ट में आया है, उसकी लिस्ट आने वाली है। ठीक है, देख लो माजी साहब, रस्सी जल गई। ना ना, यहाँ तो छोरी खुद जल गई, पर बढ़ ना गयो। कहबे है कि देवर साकली खाना लेके जाबेगी वो के दफ्तर। जाने दे। के कह रहे हो माजी साहब, ऐसे कैसे जाने दे? छोरी भाग गई तो? जो छोरी को बिना मरने का शौक चढ़ा है, भाज के वो डब्बा देने दफ्तर जा रही है। वो छोरी घर से ना भागेगी, और भाजना ही होता तो दिवाली के दिन भाज जाती, वापस ना आती। सेवा करने का शौक चढ़ा है, करने दे सेवा। जा छोरी, थारे को दफ्तर जाना है तो जा। देख छोरी, पर अपनी औकात में रहना, वरना बदन पे एक दाग दियो है, पूरा बदन सजाने में परेशानी ना होगी।
और इब कोई मरहम भी ना देगा। केसर भी नहीं, मारा खाना भी मारे कमरे में भेज। ठीक है माजी साहब। दिवरानी सा, मैं थारे को डरा तो ना रही, पर आप सोच समझ कर ही जा रहे हो ना ये डब्बा लेकर देवर सा के पास। डरिए मत, मैं वही कर रही हूँ जो आपसे बात करने के बाद मुझे सही लगा, अपने डर का सामना, वो भी पूरी हिम्मत के साथ। सुन, वो छोरी दफ्तर आने के लिए निकल चुकी है, तू समझ ले थारे को के करना है। मुझे यहाँ अपने दफ्तर में देख के पता नहीं कैसे रिएक्ट करेंगे। मारे को तो लगा ही पता नहीं कैसी फौज बनकर रखी है मैंने, किसी से काम ना हो गया, क्या दिक्कत है, काम क्यों नहीं हो रहा आप तक? सॉरी सर, आज पूरा काम खत्म करने की कोशिश सब ना सुनी मारे, दिक्कत हो गया मारे को जो सब सुन के। नमस्ते भाभी साहब, मैं शेखर, यहाँ अकाउंटेंट हूँ। आज पहली बार आपके शुभ कदम इस दफ्तर में पड़े, स्वागत है आपका। आइए, मैं आपको हुकुम के कैबिन ले चलता हूँ। और यो काम पूरा करने के लिए रात भर यहाँ बैठना भी पड़ेगा ना, तो बैठना पड़ेगा। ये रहा। कनी खंबा शेखर भाई साहब, वो हुकुम के लिए कुछ लाया था, बस दो मिनट के लिए अंदर आ जा सकूं? अरे बुढ़िया जी, आपको कोई रोक सके? जाएगा जाएगा। अरे काका साहब, थारे वास्ते मिठाई लाया हूँ। वो क्या है कि मारे घर पक्को हो गए ना, उसी खुशी थारे मन पसंद का लड्डू लाया। अब इससे ज्यादा मैं और कुछ ना कर सके। काका साहब के बात करे, तारे घर की खुशी में अगर तुम्हारे लिए इतना सब बूंदी का जाना भी लेके आता ना, वो भी काफी था। ये सब आपके लिए है। मुंह मीठा करना तो बनता है थारा। मैं जानू हूँ कि आपके पास बहुत काम है, अब आप बैठ के मिठाई खाओ, बाकी जो बटेगा उसे फिर बाहर फ्रिज में रखवा देना। फ्रिज में रखवा दूं काका साहब? ना आइए 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 आइए। हुकुम, मैं अभी भाभी साहब से कह रहा था कि इनके शुभ कदम आज पहली बार इस दफ्तर में पड़े, आप देखिएगा आज जरूर कुछ शुभ होगा। आखिरकार लक्ष्मी के कदम जो पड़े हैं